खबर सीमांचल में आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामाड़ी में है। यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने इसका विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन कर दिया है। लोगों में क्या उत्साह है इस अल्पसंख्यक विद्यालय को खुलने में, आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है। बताइए मुखिया जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, खबर सीमांचल का स्वागत करता हूँ। आज मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के तहत अब अल्पसंख्यक विद्यालय डेरामाड़ी का शुभारम्भ हुआ। इसके शुभ अवसर पर पूरे जिले से लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद है और लोगों में इस बात से लेकर उत्साहित है कि ये पहली बार आज़ादी के बाद कहें या फिर पहली बार हमारे ज़िला में ऐसी शिक्षा के अच्छी शिक्षा का केंद्र खुला है, ऐसी आवासीय विद्यालय खुली है। इससे हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को बहुत सीधी फायदा होगा। इसलिए हम लोग पूरे इलाके के क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर। हमरा की बताऊँ, छोला पढ़ुआ उसमें आप जिला पास हो उछा तो ऐसा भर्ती कराल जावे तो छोला ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करबे तो आप गरीब रे छुआ पढ़वा सको। हाँ बिल्कुल, गरीब रे छुआ पढ़वा सको। फ्री पढ़ाई होबे ना? हाँ फ्री देबे ना, पैसा टका लिबे सब फ्री। अच्छा तो कपड़ा लगता सब फ्री मिलबे, खाना पीना सब फ्री। खाना पीना तो छोला के साथ जरूर नेवसेन पढ़वा है ना। वार देने पहले आठ क्लास के बाद तैयारी करवाबे एंट्रेंस एग्जाम में पूरा हन जाबे, तैयारी हन जाबे। उड़ा तो नॉर्मल सी बात छै कि छुआ को जहाँ भी पढ़े इहा चली हो। छोला की गवाज है, छोला कोवा चीज की देखो इला यूट्यूब फ्यूट्यूब पर चक्रत ना रहो, फ्री फायर फ्री फायर। पढ़ाई ध्यान दो समझी लेन, पढ़ाई करबेन तो इच्छा पहुँचबेन, इच्छा पहुँचवार बाद फिर बहुत आगू चले आबेन, इंजीनियर बनी आबेन, पुलिस बनी आबेन, समझ लो डीएम बनी आबेन, एसपी बनी आबेन। तो मेहनत करो, मेहनत कर ले की नहीं हो चे। आज हमें मेहनत करिए तो थोड़ा बहुत सुरजापुरी मुखिया बने गई, समझ लो। तो मेहनत तो हर कुछ हो चाहे। शुक्रिया। आप बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद नौमान है। नीतीश कुमार का वादा है कि सबके साथ सबका अवकाश, सबके साथ सबका अवकाश, तो उसे उसी नीतीश कुमार इसी तर्ज पर उतरने का काम कर रहा है। आपको पता ही होगा कि पूरा हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। उसी को देखते हुए नीतीश कुमार साहब ने पूरा बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में से पहला जिला किशनगंज है कि यहाँ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक स्कूल खोलने का काम किया है। किस तरह का फायदा होगा यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों जी? यहाँ सबसे पहले यहाँ के गार्जियन को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी ये है कि 8 क्लास का एंट्रेंस देकर के 9वां क्लास में जब जाएगा 9, 10, 11, 12 यहाँ फ्री पढ़ाई होगी। उसके लिए हम लोग को तैयारी करना होगा और ये जानकारी गार्जियन को होने के लिए हम लोग जितना भी समाज के युवा हैं एक अवेयरनेस सालाना होगा तब जाके। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जितना भी हम लोग का गार्जियन है अपने अपने बच्चों को इस ऐसा स्कूल में पढ़ाने का कोशिश करें, जिस तरह से नवेद समेतुल्ला जामिया अलीगढ़ है उसी तर्ज पर ये विद्यालय बनने का कोशिश किया है। नीतीश कुमार का बहुत बहुत आभार कि आपने अल्पसंख्यक के बारे में सोचा। शुक्रिया। आप बताइए। चलिए, मैं अल हबीब हूँ और मैं अभी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोचिंग स्कूल वगैरह चल रही है। तो आप शिक्षा से शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि इस अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को खुलने से किस तरह का लाभ गरीबों को और आम लोगों को मिलेगा? सर देखिए, मैं एक नॉर्मल परिवार के बच्चों को ये बताने में जाता हूँ जब कि भाई नवेद एक अच्छी चीज़ है, आप उसके लिए तैयारी करें। जब आप नवेदे के लिए इतनी एफर्ट लगा के तैयारी करते हैं और वहाँ की सीटें काफ़ी लिमिटेड होती है, हमारे बच्चे नहीं जा पाते हैं। अलीगढ़ यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ तो हमें माइनॉरिटी वाली चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन हमारे ज़िला में कुछ खास कुछ मतलब कि कुछ अलग से इसकी व्यवस्था तो है नहीं। और किशनगंज ज़िला में देख लीजिए 15,000-16,000 एट ए टाइम एंट्रांस में बैठता है, उसमें एक 80 सीट मिलता है, उनमें से हमारे बच्चे चयनित नहीं हो पाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ये जो पहल किया है इसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और जिस प्रकार हम नवेदे के लिए तैयारी करवाते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम नीतीश कुमार जी का ये सही पहल है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है, किशनगंज के लिए तो काफ़ी अच्छी पहल है। कहता है ना कि सीमांचल में ये इतनी अच्छी पहल साबित होगी कि खैर अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगे चल करके बच्चों को काफ़ी यहाँ से बेनिफिट। तो काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर इसके लिए हमारे किशनगंज जिला में सबसे पहले इस चीज़ का ये होने के लिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके लिए। देखिए सर, हम यही के लोकेलिटी के हैं, मुझे देखने को मिला काफ़ी परेशानियाँ हुई इस चीज़ को कंप्लीट करवाने में, यहाँ के जगह को लेकर के, यहाँ की ज़मीन को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन
सारे ऑब्स्टेकल दूर करने में हमारे मास्टर मुजाहिद साहब काफ़ी उन्होंने कोशिश करा। उनके लिए दो लाइन कहूँगा। कहते हैं कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर दिल में हो जौके यकीन तो कट जाती है जंजीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर दिल में हो जौके यकीन तो कट जाती है जंजीरें। काफ़ी मुश्किलात आई इस चीज़ को कंप्लीट करने में, लेकिन इसमें आज हम लोग सभी कामयाब हो गए और कोशिश रहेगी हम लोग तमाम बच्चों को तैयारी करा करके इस विद्यालय में लाने के। शुक्रिया। आप बताइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान अख्तर हुआ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक नारा दिया था, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म, इन तीनों से कोई समझौता नहीं करेंगे, और इसी चीज़ को देख कर हम उससे बहुत प्रभावित हुए और जहाँ जहाँ पर सभा करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि जाने की कोशिश करते हैं। एक उन्होंने योजना चलाया सात निश्चय योजना के तहत, आप लोगों को पता होगा, उसके तहत एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसका फ़ायदा आज स्टूडेंट जगह जगह पर पूरे बिहार पर ले रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हम भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। आज हम पिछले तीन साल से एजुकेशन लाइन में जुड़े हुए हैं और हमारे माध्यम से सैकड़ों की संख्या में आज स्टूडेंट दिल्ली, पंजाब और लुधियाना में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्लोबल करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसका बहादुरगंज में मेरा ऑफिस है अभी, और हम लोग सैकड़ों स्टूडेंट को बीएड, डीएलएड, बीफार्मा, डीफार्मा करने के लिए भेज रहे हैं और बाहर में रह के पढ़ाई कर रहा है। और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये जो 55 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय योजना बनाया है, यहाँ के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी कोशिश है कि यहाँ के गार्जियंस इसका भरपूर फायदा उठाएं। और इसी बातों को कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नमस्कार, मेरा नाम हम्माद हाशमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जिला में ये दूसरी सबसे बड़ी सौगात है। इससे पहले हमें कृषि को विश्वविद्यालय के रूप में मिल चुका है और उसका फ़ायदा हमारे जिलावासी बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, और दूसरी ये विद्यालय अल्पसंख्यक के लिए बहुत ही अच्छी की मतलब बहुत ही अच्छी जो है ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और हम सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री अच्छा जी, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ साथ इसके लिए हम लोग मास्टर मुजाहिद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी अच्छी पहल करके हमें ये विश्वविद्यालय हमें उपलब्ध कराया।